लोग याना क्रॉसिंग पे है। गोकर्णनाथ से याना केव्स टोटल कुछ 50 किलोमीटर से ज्यादा है। हम लोग याना क्रॉस पहुंचे हैं यहाँ से, और 15 किलोमीटर ये वाले रूट पे जाएंगे तो केव्स आएंगे, और विभूति वाटरफॉल्स करके है जो हमें इधर से ऊपर से रूट से जाना है। याना केव्स का एंट्री पॉइंट है, पूरा जंगल रूट है अंदर, और 1.5 किलोमीटर ट्रैक है, उसके बाद केव जाएगा। चलो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पक्षियों की आवाज आ रही है, स्ट्रीम्स बह रही है, कुछ 100 स्टेप्स रहेंगे। वाओ, यहीं से देखिए कितने सुंदर केव्स नजर आ रहे हैं, तो अमेजिंग ना। So there are 2 sets of rocks, it seems. Look at this. Such amazing shape. Stranded in the open, dried out tears. Caves के लिए ये entrance है। बाहर shoes वगैरह उतारने हैं। मंदिर से होता हुआ रास्ता है, इसलिए अंदर shoes पहनना allowed नहीं है। ठीक है, शिवलिंग है। वही स्तंभ कहते हैं ना इसे, अंदर है ना रॉक के एकदम नीचे फुट पे है, ये रॉक है पूरा, और यहाँ पे गंगा चंडिका भीरावेश्वरा देवा इनका टेंपल है। देखिए हम लोग ये रॉक के बीचों बीच जा रहे हैं, चारों साइड इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं। ये देखो पूरा ऑलमोस्ट चारों साइड रॉक्स है, एक छोटा सा स्लिट है जहां से सनशाइन आ रहा है अंदर, और सामने थोड़ी थोड़ी जगह से सनशाइन आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बिना चप्पल के आना है, तो अकॉर्डिंगली वी प्रिपेयर्ड मेंटली। देखिए अभी एक छोटा सा रॉक दिख रहा है, हम लोग क्लाइंब करने वाले हैं। हम लोग याना केव्स में अभी आधा दिन ही बिता पाए, हार्डली 3-4 घंटे हम बिता पाए, क्योंकि हमें और दूसरी जगह जाना है, मिर्जान फोर्ट जाना है। अगर आपके पास पूरा दिन हो तो यहाँ पे पूरा दिन के लिए आइए, केव्स में जाइए, नीचे छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, छोटे छोटे वाटरफॉल्स है, उसमें आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, ट्रेल्स है काफ़ी सारे फॉरेस्ट में, आप आराम से स्पेंड कर सकते हो टाइम। खाना पीना साथ में लाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, भीड़ है हमारे, और अच्छे शूज पहन के आना, क्योंकि चलने में एटलीस्ट लोटस भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर शूज लाओगे ट्रेकिंग शूज तो और भी अच्छा। We are at the entrance of Mirjan Fort. This is on the national highway only, 66. This fort has changed hands amongst many people. एंड आखिरी में हैदर एंड टीपू सुल्तान के पास रहा था ये फोर्ट बिफोर दिस वेंट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश पीपल। और इफ यू कैन सी ना दिस फोर्ट इज रियली नाइस, यू नो ऑल ग्रास कवर्ड वॉल्स, वी विल गो एंड एक्सप्लोर इनसाइड, कम।
वाओ, चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी है। मिर्जान फोर्ट में हमें टचमिन और प्लांट दिखा है। चलो देखो, अभी देखिए देखिए, सब शर्मा गए, सारे शर्मा गए। ये पिंक फ्लावर है ना, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनसाइड मिर्जान फोर्ट। कम विद मी, इट्स वेरी स्कैरी। पहले मुझे लगा बहुत खुफिया रास्ता है, बट वो तो सिर्फ दीवार है। शायद हो सकता है कुछ रास्ता रहा हो, बट मे भी बाद में लोगों ने बंद कर दिया उसे। मैं बहुत डर गई थी अंदर जाते वक्त। मिर्जान फोर्ट ये रिवर है और यहाँ पे हम लोग आए स्विमिंग करने के लिए। नीचे मिट्टी है ना, वो धस जाती है, पैर अगर रखोगे तो धस जा रही है। सो ओनली इफ यू नो स्विमिंग तो ही आना यहाँ पे, वरना अंदर ना आइए। बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए रिवर।